शायद थर्ड टेस्ट मैच में 50% ऑक्यूपेंसी जो है ये मैच हो, तो कुछ उसके आगे भी कुछ है मैदान सर अभी, या अभी दोनों बोर्ड्स रेडी हैं? नमस्कार और स्वागत है आपका क्रिकेट नगर में, मैं हूं आयुष शर्मा, मेरे साथ यहां पे मौजूद है मेरे दोस्त मेहरान जैदी। मेहरान सर, काफी टाइम बाद जो है हम यहां पे आए एक वीडियो नया लेके, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट जरूर लिया था क्योंकि पूरे देश में जो एक अनरेस्ट सा माहौल है, तो हमने थोड़ा बहुत रेस्ट लिया था, और लेकिन अब हम फिर से वापस आ गए हैं क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज जो है, जो कि एक रोमांचक सीरीज होने वाली है, बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। 5 फरवरी से जो है पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा और प्रिपरेशंस जो है वो शुरू हो गई है क्योंकि इंग्लैंड जो है वो आ चुकी है यहाँ पे इंडिया। अभी थोड़ा बहुत जो है वो क्वारंटीन कर रही है अपने आप को, थोड़ा बहुत बचा रही है, लेकिन काफी जल्दी ही अपनी जो प्रैक्टिस सेशंस हैं वो स्टार्ट कर लेगी। यहाँ पे इंडिया भी एकदम तैयार है अपनी टीम के साथ, ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से उन्होंने अपना एक प्रदर्शन दिखाया उसके बाद जो है पूरी दुनिया जो है वो देखना चाहती है कि क्या अब वो इंग्लैंड को अपने अपने होम ग्राउंड में हरा पाएगी या नहीं। तो एक छोटा सा प्रीव्यू कर लेते हैं कि आगे जो है क्या चीजें हो सकती है इंडिया और इंग्लैंड में। देखिए, इंग्लैंड ने अभी अभी जिस तरीके से हराया है श्रीलंका को उन्हीं के घर में, हम कह सकते हैं कि श्रीलंका बहुत वीक साइड है, लेकिन श्रीलंका में जाके एक इंग्लिश साइड का हराना, जहां पे हम कहते हैं कि इंग्लिश बैट्समैन इतना अच्छा नहीं खेल पाते स्पिन को, और इतना कन्विंसिंगली हरा देना, मेहरान सर आई थिंक थोड़ी बहुत जो है अगर हम लाइटली ले रहे थे इंग्लैंड को कि यार यहाँ पे तो हम स्पिनिंग ट्रैक देंगे और हार जाएगी, वो चीज तो नहीं होने वाली अब। नहीं, आयुष बात बिल्कुल आपकी ठीक है। और जिस तरह से जो स्पेशली जो रूट ने जिस तरह से बैटिंग करी है इंग्लैंड में, इसमें श्रीलंका में, तो वो एक थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ एक इंडिया के लिए एक पॉइंट ऑफ वरी हो सकता है कि उनका फॉर्म बहुत ऑमिनस लग रहा है। और इवन इवन क्या कहते हैं, बटलर ने अच्छी बैटिंग करी है, और जो उनके नए एक प्लेयर आए हैं डैन लॉरेंस, वो भी एक इनिंग में बिल्कुल अच्छी हाँ खेल जी रही, तो वो भी ठीक लग रहे हैं। हाँ जी और बोलिंग तो खैर ऑफकोर्स सही है, स्पेस पेस अटैक तो खैर उनका कोई इसमें उसके बारे में डिबेट करना ही कोई कुछ फालतू होगा। जेम्स बिल्कुल एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड हैं, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेसर्स इन हिस्ट्री में से इन दोनों का नाम है। और तो इस एंड जोफ्रा आर्चर ऑल्सो अब बहुत अपकमिंग, बहुत वन ऑफ द मेन फास्ट बॉलर्स में से बिल्कुल वर्ल्ड में उन्हें गिना गिना जा रहा है, टॉप 10 में है। तो बस मेरी थोड़ा स्पिन उनका स्पिन उनका जो डुओ है बेसिकली डॉम बेस और जैक लीच का, वो थोड़ा सा एक वरिंग साइन है इंग्लैंड के लिए। अदरवाइज तो बट जैसे आपने कहा कि हाँ, इतना इजी इंग्लैंड को लेना ठीक नहीं होगा, और यही चीज़ एक इंडिया को देखना है कि कॉम्प्लेसेंसी ना आ जाए, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि बिल्कुल ही आप एक बिकॉज कमिंग फ्रॉम सच इतने एक हाई के बाद, इतनी बड़ी सीरीज विन के बाद ऑस्ट्रेलिया में, और वन ऑफ द बिल्कुल ग्रेटेस्ट सीरीज प्रॉबली हमारे लिए तो ग्रेटेस्ट सीरीज है एवर, बिल्कुल तो उससे एक आना, और तो एक थोड़ा सा यू टेंड टू गेट रिलैक्स, थोड़ा सा आप अपने आप को थोड़ा सा गार्ड डाउन कर देते हो थोड़ा सा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए बस, क्योंकि ये इंग्लैंड पुरानी वाली इंग्लैंड नहीं है, बहुत अच्छी टीम है, बिल्कुल और तो इसलिए इसमें इजी इतना इजी नहीं ले सकते इनको। अभी इजी लेना बहुत जो है मतलब एक तरीके से मुश्किल हो सकता है इंडिया के लिए। और इंग्लैंड की हमने बात की तो देखिए, एक अच्छी बात यह है कि स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन, इनको तो एक्सपीरियंस है ही ऐसी कंडीशंस में खेलने का। अब जो जोफ्रा आर्चर है, आईपीएल में खेलते खेलते उनको भी जो है काफी कंडीशंस का पता लग गया है। हाँ, हम मानते हैं कि रेड बॉल जो है वो दूसरे तरीके से, एक हाँ तरीके से बर्ताव बिल्कुल करती है व्हाइट व्हाइट बॉल से, लेकिन एक तरीके से उनको ये पता है कि पिचेस कैसा बिहेव करती हैं, कहाँ पे जो है उनको अपनी लेंथ को खींचना है, कहाँ पे उनको जो है ज्यादा फास्ट डालना है। और इंडिया को आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी क्योंकि जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, वो एक अच्छी स्पीड पे डालते हैं 138 140, जहां पर आपके आर्चर जो आएंगे वो लगातार 148 149 को टच करेंगे, तो पेस को अडेप्ट करना थोड़ा बहुत वो जो है वो थोड़ी बहुत दिक्कतें दे सकता है, उसको वो सीखना पड़ेगा थोड़ा सा बैट्समैन को। नहीं, वो आप बिल्कुल बात सही है आपकी, वो इतने ये बहुत ज़्यादा कभी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रहा है इंडियन बैट्समैन का, इतनी जो जो सॉर्ट ऑफ बिल्कुल एक एक्सट्रीम पेस जो होती है 147 148 बिल्कुल कंसिस्टेंटली, इवन इन इंडिया में भी शोएब अख्तर ने आके वो फेमस जो सचिन और द्रविड़ हाँ जी एक्सेल आउट किया था, वो सीरीज में हाँ इतनी जी एक्सट्रीम पेस बिल्कुल थी। देन आई थिंक डेल बिल्कुल स्टेन ने भी अहमदाबाद में एक जो बिल्कुल एक मैच में इंडिया को बहुत परेशान किया था, वो करा था,
प्लेयर्स को बहुत सारे, तो वही फिर उसी तरह से आर्चर है, तो एंड ऑफ कोर्स आई एम श्योर अबाउट, हम जब बात कर रहे हैं तो टीम मैनेजमेंट ने भी कुछ प्लान बनाया होगा, बिल्कुल प्लान बनाया हाँ होगा यार आर्चर से को डील करने का. बट हाँ, मेरे ख्याल से एक सॉर्ट ऑफ एक्स फैक्टर जो आप कह सकते हैं वो इनके लिए आर्चर रहेगा, इंग्लैंड के लिए. एंड इंडिया कैन निगेट थोड़ा सा आर्चर को अगर अच्छी तरह खेल लेते हैं, तो फिर वो काफी हद तक फिर डोमिनेट करते रहेंगे सीरीज में. बिल्कुल डोमिनेट कर सकते हैं। और यहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो बिल्कुल मोरल जो है बहुत ही ज्यादा हाई होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, ऊपर से विराट कोहली जो है वो वापस आ गए हैं, तो अब देखते हैं कि विराट कोहली, देखिए एक क्लासी प्लेयर है, अगर आप थोड़ी देर तक उनको गेम के बाहर भी रख देंगे तो उसमें इतना फर्क जो है पड़ता नहीं है। अब देखना ये बाकी कि जब वो मैदान में उतरेंगे तो उनका मेंटल स्टेट कैसा होगा और किस तरीके से जो है रन्स को नेगेट करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जिस पे नजरें होंगी वो होंगे रविचंद्रन अश्विन, क्योंकि हमने ये देखा कि जब भी इंडिया कोई टीम खेलने के लिए आती है तो स्पिनिंग ट्रैक्स जो है वो ज्यादा बनाए जाते हैं, जहां पे अश्विन जो है फिर अपना तीसरे चौथे दिन में जाके जो है अपना कमाल करते हैं। लेकिन इस बार रविंद्र जडेजा नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि लोन स्पिनर वही रहेंगे या आप कुलदीप यादव को जो है चांस देंगे उनके साथ टैंडम में बॉलिंग कराने का? नहीं, लोन स्पिनर तो मुझे लगता नहीं अश्विन रहेंगे, क्योंकि अब अगर फाइव फाइव बॉलर्स अगर खिलाने हैं तो उसमें अब तो खैर तो पिच देख के थोड़ा पता चलेगा, बट आई थिंक दो स्पिनर तो मिनिमम जाएंगे उसमें, अश्विन तो है एक फिक्स ही है. उसके अलावा आई थिंक मे बी सुंदर और या अक्षर पटेल का ज़्यादा चांस है, बिकॉज ऑफ देयर बैटिंग एबिलिटी भी है दोनों में, क्योंकि जडेजा नहीं है तो थोड़ा सा लो डाउन द ऑर्डर बैटिंग चाहिए. तो और आई थिंक मे बी अक्ष ये पहला, आई थिंक पहला जो तो सही होगा तो आई थिंक सुंदर को खेलना चाहिए, बिकॉज अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो हक तो उनका बनता है खेलना खेलने का पहला मैच. तो आई थिंक इफ टू स्पिनर्स है तो फिर इट शुड बी अश्विन एंड सुंदर, सुंदर जबकि आई थिंक दो चले। रीजन तो और दोनों थोड़ा बिल्कुल सिमिलर है, और लेकिन स्टिल आई थिंक बिल्कुल और चलिए अगर हम ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग में आप गिल और रोहित शर्मा या मयंक अग्रवाल को चांस देना चाहेंगे? नहीं. गिल रोहित गोयल रोहित सही है, सही है उनका. एज जैसे सुंदर के उनका ये भी दोनों एक अच्छे ओपनिंग उन्होंने दी बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में, जितने भी इनिंग साथ ओपनिंग करी है तो अच्छी ओपनिंग करी है, और यहाँ पे भी कंटिन्यू करना चाहिए. अग्रवाल का आई डोंट नो, का तो अब जगह भी अगर अब खेलेंगे नहीं खेलेंगे बस पता नहीं है, क्योंकि तो अगर अब विराट आ जाएंगे तो आई थिंक अग्रवाल ही जाएंगे बाहर. बिल्कुल अब विराट जब बाहर आ गए हैं तो विराट जब जो है अंदर आ गए हैं तो देखते हैं कि कौन अब प्लेइंग इलेवन में जो है किस तरीके से शफल होता है, क्योंकि पहले जो थे हमारे पास वो फिक्स थे ओपनर्स की आप मयंक अग्रवाल को खिलाएंगे या पृथ्वी शॉ, तो अब गेल ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है तो गेल ने भी जो है अपना रास्ता जो है एक तरीके से बना लिया है टीम में, तो गिल अभी तो मेन स्टे लग रहे हैं ओपनिंग की अगर हम बात करें। हाँ अगर कुछ खराब परफॉर्मेंसेज होते हैं उसके बाद देखेंगे कि क्या आप केएल राहुल को भी ट्राई करना चाहेंगे या शुभमन या आप पृथ्वी शॉ को ट्राई करना चाहेंगे, चलिए वो तो अलग बात है। लेकिन एक अच्छी बात पेस में ये है कि ईशांत शर्मा जो है वो वापस आ रहे हैं, वापसी आ गई. तो ईशांत शर्मा का वापस आना, देखिए बुमराह और मोहम्मद शमी भी होंगे, ये तीनों जब हमेशा मैंने हमने देखा कि जब भी तीनों बॉलिंग कराते हैं टैंडम में तब इंडिया के लिए और भी ज्यादा अच्छी चीज होती है, क्योंकि आपके सारे एक्सपीरियंस बॉलर जो हैं वो ऑन द ग्राउंड होते हैं। अब शमी का आप देखिए, आई थिंक थर्ड सेकंड टेस्ट से भी शायद अवेलेबल होंगे सेकंड शमी, बिल्कुल सेकंड हाँ जी थर्ड में. तो हाँ, आप तीनों एक साथ खेलेंगे फिर तो वो तो बहुत बहुत स्ट्रांग. आई थिंक प्रॉबली कमिंस हेजलवुड स्टार्क के बाद तीन, यही एक मुझे लगता है कि बिल्कुल हाँ जो जी एक्सपीरियंस हाँ जी और सब मिला के जो बेस्ट है. हाँ जी तो फर्स्ट टेस्ट में तो आई थिंक मे बी सिराज शायद प्रेफरेंस मिले, क्योंकि शमी नहीं है तो बिल्कुल सिराज हाँ खेले, जी तो इवन दैट इज फाइन. सिराज बुमराह एंड निशांत शर्मा भी एक अच्छा अच्छा बिल्कुल एक पेस अटैक बिल्कुल है, और निशांत शर्मा के आने से बहुत फर्क पड़ेगा. एक एक्सपीरियंस एक आता है उनके उनके साथ, और जो लास्ट 3-4 साल में उन्होंने अपने गेम को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं वो. तो बिल्कुल क्योंकि हमेशा थोड़ा सा है कि वो रहता था कि ईशांत का बहुत टैलेंट बहुत है, लेकिन वो नहीं, वो एक यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, वो कर नहीं रहे पोटेंशियल पे, लेकिन लास्ट 3-4 ईयर्स से उन्होंने बहुत अपने गेम को
एनहेंस किया है, और तो अब देखिए होपफुली आई थिंक 3 विकेट उनके शायद बचे हैं, 297 शायद हो गए हैं बिल्कुल 300 विकेट के लिए, तो इस सीरीज में तो फिर फर्स्ट टेस्ट नहीं तो आगे तो हो जाना चाहिए सीरीज में। और ईशान शर्मा की जब भी बात होती है तो हमेशा स्टैट्स पे ध्यान इसलिए रहता है कि जिस नंबर की उन्होंने टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं विकेट उसके हिसाब से कम होते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर ये पिछले 4-5 साल वाला परफॉर्मेंस शुरुआत से रहता तो शायद 350-400 से ज्यादा विकेट हो जाती है जिस तरीके से उन्होंने खेला है। आई थिंक 90 प्लस उनके 95-96 टेस्ट हो गए हैं, तो वो दैट्स टेस्ट के हिसाब से बहुत ह्यूज नंबर है। और इतने में तो कई अच्छे जो टॉप क्वालिटी बॉलर जो है वो तो 400 तक टच कर जाते हैं विकेट्स। अश्विन के अश्विन को देख लीजिए, अश्विन है, अश्विन 370-380 के करीब, 390 की से ज्यादा शायद विकेट हैं उनके भी। और मुझे तो लेथल लायन के लिए बहुत बुरा लगा था बेचारे, उनको विकेट नहीं मिली, नहीं तो उनके तो 400 बहुत आराम से कंप्लीट हो जाने थे उसी टूर में, लेकिन वो हो नहीं पाया। चलिए देखते हैं कि इस बार क्या अश्विन किस तरीके का कमाल करते हैं। तो दोनों ही काफी बैलेंस टीम नजर आ रहे हैं कि उनके पास एक तरीके से देखा जाए तो एक्सपीरियंस तो है ही बैटिंग में बॉलिंग में, लेकिन यूथ भी है। जैसे डैन लॉरेंस है इंग्लैंड के लिए, यहाँ पे यहाँ पे शुभमन गिल है, तो मतलब दोनों टीम्स काफी मैच्ड आउट हैं, इवन लग रही है। बहुत अच्छा सीरीज जो है हमें देखने को मिलेगा। और देखिए ठीक है, काफी लोग बोलेंगे कि यार इंडिया जीत जाए इंडिया जीत जाए, मैं चाहता हूँ कि एक फाइटिंग सीरीज हो जैसे हमने इंडिया ऑस्ट्रेलिया में देखा था। भले ही इंडिया जीते वो मैचेस, लेकिन एक फाइटिंग सीरीज देखने को मिलता है, तभी टेस्ट मैचेस का जो है वो मजा आता है देखने का। तो मेहरान सर, वी ऑल आर रेडी, हमने सोचा था कि शायद हम लाइव जाके जो है मैच देखेंगे, लेकिन अभी वो पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है मेहरान सर कि शायद थर्ड टेस्ट मैच में 50% ऑक्यूपेंसी जो है ये मैच हो, तो कुछ उसके आगे भी कुछ है मेहरान सर अभी, या अभी दोनों बोर्ड्स रेडी हैं? हाँ, मेरे ख्याल से ये गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने और बीसीसीआई तो आई थिंक रेडी है, क्योंकि वो मोटेरा वाला तो इतना बड़ा स्टेडियम है, वो 1 लाख प्लस कैपेसिटी का, उसमें अगर आप 50% भी नहीं, अगर आप 35-40% भी अगर कर दो तो वो भी 40-35-40 हजार लोग हो जाएंगे, तो वो इजी है सोशल डिस्टेंस के साथ, 30-40 हजार 1 लाख के स्टेडियम में तो आराम से वो कर सकते हैं। तो थर्ड फोर्थ टेस्ट में तो आई थिंक मोस्ट प्रोबली लग ही रहा है कि यहाँ से डिसाइड हो गया है, बाकी आई थिंक इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की जहाँ तक जो मतलब पता चला है कि वो थोड़ा इतना कीन नहीं है पूरे सीरीज में क्राउड के प्रेजेंस होने का, तो अब अगर वो तो अगर फाइनली यहाँ डिसीजन हुआ तो फिर वो आई थिंक बीसीसीआई और ईसीबी बैठ के डिसाइड करेंगे। बाकी सेकेंड टेस्ट का भी कुछ चल रहा था कि चेन्नई स्वामी इसमें एम एस चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई में सेकेंड टेस्ट में शायद क्राउड की बात चल रही थी, पर आज शायद मीटिंग है TNCA की, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की, उसमें अगर डिसीजन होता है तो ये भी सेकेंड टेस्ट में भी 50% कैपेसिटी से क्राउड हो जाए, क्योंकि फर्स्ट का तो अब टाइम बचा नहीं है, 2-3 दिन में तो क्या। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्राउड होता है तो अच्छी बात है, वो प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छी बात है, मोटिवेशन एक होता है, और जो घर पे बैठ के व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा अच्छा रहता है। ओरिजिनल क्राउड के वास्ते ओरिजिनल ही है, वो फेक क्राउड के वास्ते वो मजा नहीं आता। और बिल्कुल वो, और आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जब मैचेस हुए तो वो एक्साइटमेंट लेवल दूसरा था, क्योंकि क्राउड लोगों की आवाज आती है, वो एक्साइटमेंट वो दिखता है कि अच्छा कोई विकेट गिरा है, तो वो जो शोर मचता है वो एक अलग ही ऑरा सा जो है वो पूरा बना देता है। तो मजा आएगा कि इंडिया और इंग्लैंड में भी जो है ये चीज हो और स्पेक्टेटर्स के साथ हो, तो बहुत ही बढ़िया। और काश हम फिंगर्स क्रॉस कि हमें भी कोई कभी कोई लाइव मैच देखने का मौका मिल जाए, मोटेरा में ही मिल जाए भले ही, लेकिन देखने तो मजा आ जाएगा। तो चलिए 5 तारीख से पहला टेस्ट मैच जो है वो खेला जाएगा, और देखते हैं कि क्या होता है। सीरीज तो बहुत बढ़िया होने ही वाली है, और काफी लंबी सीरीज है, कोई छोटी सीरीज नहीं है। टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे, ODI भी खेले जाएंगे, T20 भी खेले जाएंगे, और सारे अपडेट जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच मेहरान सर, और अब जो है हम फिर से जुड़ेंगे 5 तारीख को, पहले दिन का जो है सारा अपडेट आपको लाके देंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सही रहिए। चलिए बाय 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 बाय।